गहलोत काबीना में सिर्फ 3 पुराने वुजरा को हटाया जाएगा, 11 काबीना और 4 नए वुजरा ममलिकत हलफ लेंगे। पायलट कैंप से 4 वुजरा 3 वुजराए ममलिकत को तरक्की दी गई है। करतारपुर साहिब के दौरे पर पाकिस्तान जाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू की बयानबाजी पर सियासत शुरू हो गई है। हफ्ता को सिद्धू ने पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया। उन्होंने कहा कि इमरान ने इन्हें बहुत प्यार दिया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मुनक्कद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे बोर्ड के कुमी सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सरकार को जरूरी कवानीन की सीए और एनआरसी कवानीन को भी वापस लेना चाहिए। डॉक्टर यूसुफ के इंतकाल के बाद गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से कर्नाटका वक्फ बोर्ड में चेयरमैन की कुर्सी के लिए अरकान में रसाकशी थी। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नामजद रुकन शाफी सादी को सहरा पहुंचाया गया और उन्होंने चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारी कबूल की है। मिल्लत की तालीम और तरक्की के लिए उन्होंने कई वादे भी किए। औरंगाबाद शहर में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मजलस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में पुरतशद्दुद वाकयात की मजम्मत करते हुए कहा कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं है। उन्होंने आवाम से अमन की अपील की है। आंध्र प्रदेश में आई सैलाब से अब तक 24 लोगों की मौत हो गई है। रियासत के वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने हालात का फिजाई सर्वे किया और अफसरान को बचाव के काम को तेज करने की हदायत दी है। शेर मैसूर टिप्पू सुल्तान की 271वां यूम पैदाइश के मौके पर उत्तर प्रदेश के नोएडा में समाजवादी पार्टी के नायब सदर शकील सैफी के दफ्तर में अजीम बादशाह को खिराज अकीदत पेश किया गया। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 355 पर रिकॉर्ड किया गया है। AQI के इंतहाई नाकस जमरे में होने के बावजूद पिछले हफ्ते के मुकाबले में मामूली बेहतरी आई है। नोएडा शहर ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। मीडियम दर्जा के शहरों में नोएडा को पहले नंबर पर रखा गया है। इसके अलावा 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में नोएडा चौथे नंबर पर आ गया है। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान दोनों को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने सर्जिकल और फिजाई हमलों के जरिए वाज़ह पैगाम दिया है कि अगर आपने छेड़छाड़ की तो हम नहीं छोड़ेंगे और दुश्मन की सर जमीन के अंदर घुसकर मारेंगे।